दोस्तों, सो यार अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो इन दिस वीडियो वी आर प्लेइंग एफएफ यानी के फ्री फायर। इस वीडियो में हम सीएस की बजाय वीआर खेलेंगे। आपका ये नुबड़ा भाई है, बड़ा अच्छा वाला। तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड से बंदे बुला लिए हमने, तो बंदे तो निकलेंगे, मुझे पता था। फिर भी मैं इस वीडियो में वॉइस ही ओवर कर रहा हूं। अब मैं आप लोगों को गेम बताती हूं। तो अब हम गेम में तो पहुंच गए हैं। अब हम सोचते हैं कि क्लॉक टावर उतरते हैं। अब हमको क्लॉक टावर उतरने उतरवाना, अभी इतनी जल्दी तो नहीं उतरवाना। फिर भी गाइस, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और एफएफ की वीडियोस, मोर वीडियोस चाहने के लिए इस वीडियो का लाइक टारगेट 15 लाइक्स है कंप्लीट कर दें। और हम क्लॉक टावर उतर गए हैं। आपको पता है मैं इतना नुबड़ा हूँ कि मैं मरी देखना उतरती बढ़ू। तो देखे जरा, तभी मैंने लूट की, अच्छी वाली लूट मिली। बंदा आएगा ऊपर, मैं मार नहीं पाऊँगा, देखना जरा। एक मुझे फुट स्टेप्स आ रहे थे उनके, यानी कि पुश स्टेप। डैमेज मैंने लेकिन बढ़ा दिया था। अगर एक हेड बच जाता ना तो बड़ा भी मारना था। फिर अब मैं आप लोगों को जब रिवाइव होगा तब मिलूंगा। रिवाइव होके मिलते गाइस। मुझे तो वैसे गेम देने की उम्मीद थी नहीं, वही वक्त मैं गेम जीत नहीं पाया। तो हम नई गेम लगाते हैं और इस गेम में उम्मीद है कि हम जीत जाएंगे। मुझे पता जीत भी जाना है, अल्लाह ने चाहा तो टॉप 3 तक कोशिश करूँगा कर लूँ और किल्स भी कुछ अच्छे खासे कर लूँ। तो ये मेरा दोस्त था वर्ल्ड से जो मैंने बुलाया था। तो मम्मा कहते हैं मेरे साथ 1v1 लगाया तो 4v2 कर दिया उसने। मैंने उसका 4v2 कर दिया। से खेल रहा था लेकिन ना वो उसका भाई खेल रहा था, पीसी प्लेयर है अच्छा। ये हम फिर से क्लॉक टावर जा रहे हैं। इस दफा मैं क्लॉक टावर पे अच्छी लूट करूँगा, लेकिन बीच में मेरी मम्मा मेरी कॉल आ जाती है। मम्मा की नहीं बस किसी और की। अब हम उतर रहे हैं इधर इस जगह पे क्लॉक टावर के ऊपर वाले घर में। मेरा एमिनी है कि उतरा था इधर। तो वो जो है ना मेरा दोस्त एमिनी में कहता हूँ, एमिनी में कहता हूँ, मेरा दोस्त उसे ख़त्म कर देगा। देखना वो नोटिफिकेशन आएगा। मैं जूम तो कर सकता हूँ, नहीं जूम नहीं कर सकता। गौर कीजिएगा इधर इस जगह पे। तो पहले डैमेज पड़ा फिर वो से मार देगा, देखना गौर कीजिएगा। गौर की गोल आ गई। अब फिर से कॉल आई थी वो, लेकिन बंद होगी, लेकिन फिर कॉल आ गई। अब फिर से हो गया। अब हम आगे अपनी गेम कंटिन्यू करते हैं। मेरे पार्टनर भी बड़ा कमीना था, उसने सारी लूट ली थी जगह। तो फिर मैं नीचे चलता हूँ, नीचे जाके देखता हूँ वो लूट वूट पड़ी हुई थी। वो लूट ली अब मैं नीचे चलता हूँ और अच्छी लूट लूटूँगा। यहाँ पे अच्छी लूट थी, बुजोन मिल गई। बुजोन मेरी फेवरेट गन थी। MP5 मैंने सोचा था कि चलाऊँगा, लेकिन MP5 3 नहीं हो सकती थी, तो इसीलिए मैंने कहा बुजोन चला लेते हैं। बुजोन मैंने कहा चलाई। तो अब मैं आप लोगों को ना ये उधर थोड़ी सी लूट करके और एशियल थी जो मुझे मिली है वो मैं लूटने में। तो अब मैं एशियल लूटने जा रहा हूँ। तो अब मैं एशियल लूटने जा ही रहा था तो मुझे पता चला कि मेरे पीछे बंदा रिवाइव कर रहा था, लेकिन इस टाइम नहीं, अभी नहीं, जब मैं एशियल लूट लूँगा तब। अब मैं एशियल पहुँचने लगा हूँ, 50 मीटर ही रह गए ओनली 20 चले। अब शुरू इसके अंदर हमें मिलेगी M4A1 3, तो हम वो लेंगे और अच्छी तरह गेम खेलेंगे, वही बात हो गई।
और अब मुझे पता लगा कि पीछे मेरा बंदा नहीं भर, मैं कल लूट करके जाता हूँ थोड़ा सा। वो मैंने पीछे से वेंडिंग मशीन से थोड़ी लूट ली, पर फिर मैंने कहा चलो चलते हैं बंदा मारने। अब इधर से मैं फोड़ा स्कोप खरीदूंगा, और सोचा था के एम पी 5 और T1 तो मैं 2 कर लेता, 3 कर लेता सॉरी। ट्यूबिंग की वीडियोस भी आती रहेंगी, आप मेरी वीडियो को लाइक करें। आप लोग मेरे लाइक टारगेट्स ही नहीं कंप्लीट कर रहे, जो मैं अपने दिमाग को ही देता हूँ लाइक टारगेट, लेकिन वो कंप्लीट ही नहीं होता। तो फिर भी मेरे पास एक अच्छी रॉन्ग रेंज गन है, लेकिन फोर एक स्कोप नहीं है। एसवीडी वाई बेकार गन है, मैंने तो आज तक नहीं चलाई थी, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया। एस कैच फिर भी इससे अच्छी है। तो अब देखना, अभी बिल्कुल इसी वक्त मैं जा ही रहा था तो पीछे बंदा रिवाइव होने लग पड़ा। देखिए बंदा पीछे रिवाइव कर रहा है, हमारे बंदे रिवाइव कर ही लिए थे उसने। मैंने अभी बंद की रिकॉर्डिंग, फिर मैंने रिकॉर्डिंग दोबारा ऑन की, बोले बड़ी अच्छी तरह उस बंदे को मारा मैंने, दूर से थोड़े बहुत फटके मारे लेकिन उसको फर्क कुछ नहीं पड़ा। लेकिन फिर मैंने शॉर्ट में जाके बुजोन से जो उसको रख रख के मारना, तो फिर वो बेचारा सोचता होगा क्या से क्या। जोन के बाहर पहली फाइट मेरी यूट्यूब चैनल की, नहीं तो वो सारी फाइट होती है जोन से बाहर। यहाँ पे मैंने एक वो मारा गोर जोन, और अब मैं बंदा आके सामने हुआ गाइस, बंदा आया, बंदे को मेरे टीम पार्टनर ने खेल दिया, कि मेरा टीम पार्टनर ही बेचारा मर गया है। ऊपर जब मैं उधर पहुंच गया था, ये वाला नूड़ा भाग ही गया मेरी नज़रों से, वो जला हो गया। यहाँ से मैंने अच्छी बड़ी लूट की, यहाँ से मैंने कॉइन्स वॉइन्स नहीं मिले हैं, फिर भी मैंने लूट की। ग्रोजा लिया से मुझे अच्छी में दिखाने लगी, मैंने ग्रोजा लेते हैं, ग्रोजा की बफोर एक स्कोप लगा, तो फिर मैंने ग्रोजा से नीचे वाले बंदे को पेला, लेकिन मेरे टीममेट ने वो किल करा लिया। ये वाला किल में मेरे टीममेट ने ही लिया है, मैंने अपना गन टीम साफ किया थोड़ा सा। और अब लास्ट जोन किसके बाद, नहीं लास्ट जोन सेकंड लास्ट जोन की फाइट है, वो लास्ट जोन की फाइट तो मेरे टीममेट ने की, ये मेरा टीममेट मार गया। मैंने कोशिश की ग्लोवा लगा के इसको बचाने की, लेकिन बंदे ने उसी वक्त ही फुल भाई बंदा है, देखना मुझे भी मारेगा फट के। कोशिश थी कि मुझे भी मार दे, लेकिन नहीं मार पाया। देखिए इसको मैंने तो हेडशॉट मारा था एक, ओके उसने मार दिया। तो अब मैं जैसे ही अपने टीममेट को रिवाइव करने के लिए नीचे जाऊंगा, तो वो भी मैं अभी जल्दी रिवाइव कर दो प्लीज, जल्दी कर दो। नीचे बंदे ही पड़े थे, 3v3 हो रहा था नीचे, मैं कहा 3v के अंदर बन भाई, तो लूट ना ले यार मेरी, लूट ना लेना, लूट ना लेना मेरे बस की। कहां भाग, मैं भागने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे मैं भाग नहीं, सिर्फ हेडशॉट मारा था, लेकिन वो लगा बंदा। मैं तो जा पीछे ग्लू लगा लेता हूँ, लगा लेता हूँ, लेकिन नहीं, मैं अभी था कुछ है भाई, अपनी बातें कहाँ से सुननी है मैंने। तो अब मैं इसके बाद आपको एंड की जो थोड़ी सी बातें बता, तो अब ये हमारा लास्ट जोन में हमारा जो है टीममेट वही कार्ड है फाइट। तो ये बड़ा नूबड़ों की तरह खेल रहा था, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की थी कि लीम भी आ जाए, लेकिन मेरे तो कहाँ। तो अब देखना ये भी रश करेगा, पीछे से बंदे ने आके रश करना है, इसके ऊपर इसने ग्लू वॉल लगानी, और इसने ऐसे देखना बाहर निकला, तो बंदे ने टपका। तो इस वीडियो